नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनिम ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनिम। यदि आपको अपने किसी प्रकार का भय लगता है और इस भय के कारण आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो आपको चाहिए दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है, दुर्गा कवच जो है, उसका 16वां मंत्र है, ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनिम। नमस्तेस्तु महारौद्रे, महान रौद्र रूप को धारण करने वाली, महान उत्साह को बढ़ाने वाली और बड़े से बड़े भय का संहार करने वाली माता को प्रणाम है, नमस्कार है। इस तरह का भाव करते हुए जो लोग इस मंत्र का 5 बार प्रातः काल और सायंकाल पाठ करते हैं, भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उनके सब प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्फटिक का शिवलिंग बढ़ाएगा कारोबार, स्फटिक का श्रीयंत्र बनाएगा मालामाल, स्फटिक की माला कराएगी जल्द शादी, स्फटिक की बॉल से होने लगेगी तरक्की, स्फटिक की 4 चीजें चमकाएगी किस्मत। कीजिए स्फटिक के बेहद आसान उपाय, देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज से पहले भी स्फटिक के बारे में पंडित जी काल चक्र में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन आज पंडित जी पूरे 1 घंटे तक काल चक्र में आप सभी को ये बताने वाले हैं कि स्फटिक की माला, स्फटिक का शिवलिंग और स्फटिक का श्री यंत्र कैसे आपके जीवन की सारे परेशानियों को दूर करके आपको ढेर सारी खुशियां दे सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, यदि इस दौरान कोई भी ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं, या फिर आप शो के दौरान पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत फोन करें इन नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सात फरवरी 2014 दिन शुक्रवार, आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो शाम को 5:09 तक रहेगी। आज भरणी नक्षत्र है, सुबह 10:03 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। आज भीष्माष्टमी व्रत है, आज भीष्माष्टमी व्रत है। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त है। तो भाई, आज के दिन के क्या है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ एक बार रुक कर लेते हैं अपनी कुंडली का, देखते हैं कि हमारी कुंडली क्या कुछ कहती है। अगर हमारी कुंडली में शनि की 7.5 की वजह से बहुत सारी परेशानी हमको हो रही है, जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में स्फटिक का शिवलिंग कैसे हमारी कुंडली से 7.5 के प्रभाव को समाप्त कर सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे जीवन में सकारात्मकता ला सकता है ये स्फटिक। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। जीवन में अगर सकारात्मक परिवर्तन लाना है, सब कुछ पॉजिटिव करना है, तो स्फटिक का शिवलिंग घर में जरूर स्थापित करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये भ्रांति समाज में पता नहीं कैसे पैदा कर दिए हैं कि शिवलिंग स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। यह सब बड़ी भ्रांति है और यह धर्म के विरुद्ध एक प्रकार का षड्यंत्र और प्रचार है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप जरा सा भी आस्तिक हैं, भगवान में आपकी श्रद्धा और आस्था है, तो स्फटिक का शिवलिंग या पारद का शिवलिंग या दूसरा कोई शिवलिंग आप घर में निश्चय रूप से रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शास्त्र में वर्जना नहीं की गई है और महिलाएं भी शिवलिंग की पूजा घर में स्थापित करके कर सकती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की ही पूजा की थी। तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगा,
स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जितना सुंदर और जितना मन को आकर्षित करने वाला शिवलिंग स्फटिक का होता है, उतना दूसरा कोई शिवलिंग अपनी तरफ आकर्षण पैदा करने वाला नहीं होता है। ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साथी अर्थात इस समय आपकी कन्या राशि या तुला या वृश्चिक राशि है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, या आप कर्क राशि और मीन राशि के जातक हैं, शनि की ढैया चल रही है और आप परेशानियों से काफी आतंकित हो चुके हैं, तो ऐसे में स्फटिक के शिवलिंग को एक चौकी पर लाल आसन बिछा करके, लाल मलमल का कपड़ा, मखमल का कपड़ा बिछा करके, थाली में स्थापित करके हर रोज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप आप जरूर करें। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आपके पास बिलोपत्र हो तो शिवलिंग की पूजा करके अगर 108 बिलोपत्र राम राम लिख करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो यह अनुष्ठान सिर्फ 11 दिन करने पर आप जिस भी मनोकामना से यह कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का भी पाठ करने का शास्त्र सम्मत विधान है। यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महा सुख होई। हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला हनुमान चालीसा भगवान शिव की आराधना के साथ साथ अगर किया जाए तो सोने पे सुहागा जैसा इसका महत्व बढ़ जाता है। अगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति खराब है या कोई पापक ग्रह आपके सातवें भाव को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में हर रोज स्फटिक के शिवलिंग के सामने बैठ करके पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथा संभव जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध की धारा देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से जहाँ दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनता है, वहीं पारिवारिक जीवन में भी एक मजबूती आती है। तो स्फटिक कितने काम का है, स्फटिक के शिवलिंग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं। बहुत सारी बातें हम पंडित जी से हासिल करेंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आपके कारोबार में परेशानी आ रही है, व्यापार में आपको घाटा होता जा रहा है, आपका जीवन जो है तनाव में बीत रहा है, तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, उनका समाधान पाने के लिए पंडित जी आपको बताने वाले हैं थोड़ी ही देर में बहुत खास से उपाय। लेकिन अभी फिलहाल रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं इसके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। आज मेष राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास भी देखने को मिलेगा। मित्रों और भाइयों के सहयोग से बिगड़े काम भी बन जाएंगे और यदि न्यायालय में कोई विवाद है तो आज उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर मिला जुला फल देने वाला है। आज जहां पैसे के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और विदेश से आपकी पेमेंट आएगी, वहीं नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ा अनुकूल समय है। आज अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्रा भी आपकी सुखकारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है, अर्थात स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें। आज सफेद चीजों का जैसे दूध, दही, चावल, इन सब चीजों का दान करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज मिथुन राशि के जातकों का दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या अब तक चल रही है तो उसका समाधान भी मिलेगा और बच्चों की परेशानी समाप्त होगी। व्यवसाय में यदि आप व्यापारी हैं तो ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है और निश्चित रूप से नए कार्य की भी शुरुआत आप कर सकते हैं। आज माता का सुख और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुम बुधाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का दिन बड़ा ही अच्छा है। जहां पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ेगी। आज आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और किसी काम को भी आज आप असंभव नहीं समझेंगे। आज आपके पिता का मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आज पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके बच्चों की तरक्की से और बच्चों के भविष्य को लेकर के जो आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि राहु का तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः इसका जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। हम अक्सर अपने कारोबार को लेकर चिंतित रहते हैं, चाहते हैं कि कारोबार में हमेशा सफलता मिले, व्यापार जो है हमारा अच्छा हो। तो ऐसे में सफलता पाने के लिए कैसे स्फटिक का श्री यंत्र हमारी मदद कर सकता है, कौन सा उपाय हमें करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो यही बताइए कि स्फटिक का जो श्री यंत्र है वो कैसे हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। कलयुग में श्रीयंत्र साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। कलयुग में श्रीयंत्र साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। जो लोग अपने प्राणों के तरह प्रिय मान करके स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा अर्चना करते हैं और नित्य 5 मिनट से 10 मिनट तक श्रीयंत्र पर एकटक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, जहां उनके विचार हर समय निर्मल रहते हैं, जहां उनकी भावनाएं हर समय पवित्र रहती हैं, वहीं वो मन से संबंधित रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा और नकारात्मक सोच जैसी बीमारियां स्फटिक के श्रीयंत्र पर दृष्टि जाते ही ठीक हो जाती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रीयंत्र स्फटिक का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा माना जाता है। स्फटिक के श्रीयंत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्फटिक से बना श्रीयंत्र जहां भी रखा होता है वहां से निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। जिस घर में स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित कर दिया जाता है वहां पैसा धन की तो बरसात होने लगती है। और धन एक बार थोड़ा सा कम भी आए लेकिन जो लक्ष्मी का प्रभाव है लोगों को श्रीमान और श्रीमती बनाने का सिर्फ महालक्ष्मी में कुवत है। सिर्फ महालक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा करें वो श्रीमान बनेगा और जिस महिला के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो वो श्रीमती बनेगी। ऐसे में नाम, शोहरत और सफलता अगर कदम चूमे आप चाहते हैं तो स्फटिक का श्रीयंत्र आप अपने पूजा स्थान में जरूर स्थापित करें। कारोबार नहीं चल रहा है, कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है तो स्फटिक का श्रीयंत्र और एक लघु नारियल पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज एक गुलाब का फूल या अड़हुल का फूल पूजा में श्रीयंत्र पर आपको समर्पित करना चाहिए। स्फटिक से बना श्रीयंत्र किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में बाजार से खरीद करके आप लाइए। ज्यादा अच्छा होगा कि नवरात्र में इसकी स्थापना करें या अष्टमी तिथि को इसकी स्थापना करें या शुक्रवार के दिन जब शुक तिथि हो, चौथ, चतुर्दशी और नवमी तिथि न हो, भद्रा और रिक्ता का सामंजस्य न हो तो अच्छे मुहूर्त में इसकी स्थापना आप कर सकते हैं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में रखने से भी धन की बरसात जीवन में होती है और पैसों की तंगी समाप्त होती है। स्फटिक के श्रीयंत्र के समक्ष श्री सूक्त का, जो लोग श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हैं और
श्री सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए श्रीयंत्र पर क्रमशः जल, दूध, शहद, गन्ने का रस और घी, दही समर्पित करके शुद्ध जल से स्नान करवा करके और शुद्ध कपड़े से श्रीयंत्र को पोंछ करके उस पर कदी, अक्षत और धूप दीप नैवेद्य लाल फूल चढ़ा करके काजू किशमिश और सूखे मेवे का भोग लगा करके कपूर से आरती करते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों का जीवन सफल होता है। स्फटिक के श्रीयंत्र को अगर किसी बच्चे के कमरे में रखा जाए तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और मानसिक तनाव भी उसका दूर होगा। निश्चित रूप से स्फटिक का श्रीयंत्र इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान अपने साधक की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी को यही बता रहे हैं कि स्फटिक से बने तमाम सामान भी आपके भाग्य को बदल सकते हैं और साथ ही साथ कर सकते हैं आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर। स्फटिक की माला आपके जीवन में कैसे ला सकती है सकारात्मक बदलाव, ये भी हम जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन निःसंदेह अच्छा है। थोड़ा सा अपने आमदनी और खर्चे का संतुलन आपको बना करके चलना है। अति उत्साह में आकर के बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना है। आपके दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है और निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा। आज यदि आप कोई यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो अवश्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आज महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय, ओम होम जोम सा, इसका भी एक माला जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश जी स्वागत है आपका। राकेश जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, सदा सुखी रहे राकेश जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1977, सुबह 4:02 मेरठ। जी जी। तो पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे तो पैसे की बड़ी समस्या रहती है, तो सरवान बच्चों के बारे में और मकान के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए राकेश जी, आपने जो मकान के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो शुक्र के साथ तृतीय एकादश की दृष्टि से इतिसाल कर रहा है। निश्चित रूप से सन 2015 के अंत से आपके मकान का योग बनना शुरू हो जाएगा और बच्चों का भी भविष्य आपके ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते इसी के साथ आगे, रुक कहते हैं अगली राशि का, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने वाणी पर भी संयम रखें। आज अपनी जमान संभल करके ही खोलें। किस्मत तो हर जगह आपका साथ देगी, लेकिन क्रोध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपके सामने आएगी तो उसका समाधान भी मिलेगा और यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छे लाभ की स्थिति में भी रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि एक तांबे के लोटे में मसूर भर करके किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गई है, वर्षा जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी, मेरी बर्थडेट है 20 अक्टूबर 1990। जी, और मेरा सवाल है कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं और मेरी शादी कब तक होगी और मेरा जन्म टाइम है सुबह के 4:30 बजे। चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके सातवें मंगल मांगलिक योग बनाता है, लेकिन राहु की युति मंगल दोष का परिहार करता है, इसलिए बिना मांगलिक वर के साथ भी आपका विवाह अच्छा रहेगा। होती है वो किस तरह से हमारे सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, हमारे भाग्य को संवार सकते हैं और बिगड़े काम बना सकते हैं। स्फटिक पर आगे भी बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, यानी कि उनकी राशियां उनके लिए आज क्या कुछ कह रही हैं। चलिए जानते हैं एक बार फिर से पंडित से, मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका साहस और पराक्रम प्रशंसनीय रहेगा और आपका आत्मविश्वास आज किसी भी असंभव कार्य को पूरा करने में भी समर्थ रहेगा।
मित्रों और भाइयों का जहां आपको सहयोग प्राप्त होगा, वहीं अगर न्यायालय में आपका कोई विवाद है तो आपको सफलता मिलेगी, कोर्ट केस से आपको राहत मिलेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय आज बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए पैसा प्राप्ति का दिन है। आज आपके जीवन में धन की बरसात होगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अनुकूल समय है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज यात्रा यदि आप करेंगे तो यात्रा का उद्देश्य जो होगा वो निश्चित रूप से पूरा होगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरावट में रह सकता है, इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि दूध, दही, चावल, सफेद वस्तुओं का आप दान करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर बहुत ही आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। जहां आपका स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपके बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई चिंता आपके मन में है तो उसका समाधान आज आपको मिलकर रहेगा। व्यवसाय में आज आपको ज्यादा फायदा होगा। माता का सुख और माता का आशीर्वाद भी आपके साथ आज बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का आप जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपके मन में एक आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होगा कि कोई भी कार्य आज आपके लिए असंभव नहीं दिखाई देगा। आज आपके पिता का मार्गदर्शन और पैतृक संपत्ति का लाभ आपके जीवन के लिए वरदान साबित होगा। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि उमरांग राहवे नमः का जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। आपको अपने आमदनी और खर्चों पर विशेष रूप से आज सावधानी बरतनी चाहिए। दिन की शुरुआत आपकी किसी अच्छे काम से हो चुकी है और निश्चित रूप से यदि आज आप यात्रा करने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से बाहर निकलिए, यात्रा आपकी लाभकारी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि ओम होम यूम सह या लघु मृत्युंजय मंत्र एक माला यदि आप जपें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको आज अपने जबान पर काबू रखना चाहिए और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आज आपके वाणी की कठोरता निश्चित रूप से आपको परेशानी में डाल सकती है। किस्मत तो वैसे व्यवसाय के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में किस्मत आपका साथ देगी और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त होंगी। बिजनेस में लाभ भी मिलेगा। तांबे के लोटे में मसूर भर करके यदि आप दान करें तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा, जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। भाई सबसे पहले तो बात होती है हमारे घर की, हमारे परिवार की, और उसके बाद हम रुक करते हैं उस जगह का जहाँ पर हम काम करते हैं, यानी कि हमारा ऑफिस या फिर हमारी दुकान या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हम कार्यरत हों। चलिए बात कर लेते हैं आपके ऑफिस की। ऑफिस में यदि आपके कामकाज ठीक नहीं चल रहा, आपका किसी से विवाद है जो कि खत्म नहीं हो रहा, या फिर अगर हम बात करें शादी की, शादी में कोई भी परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है, तो ऐसे में कैसे स्फटिक की माला इन तमाम समस्याओं को दूर कर सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे स्फटिक की माला कमाल दिखा सकती है ऑफिस में, अगर हम परेशान है, विवाद खत्म नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, क्या करें? देखिए, यदि कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, तो कार्य क्षेत्र में जो आपके धन रखने का स्थान है, अर्थात जहाँ आप धन रखते हैं, वहाँ एक स्फटिक की माला जरूर आपको स्थापित करनी चाहिए। और ये स्फटिक की माला अगर शुक्रवार के दिन स्थापित की जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। कोशिश करें कि जो आपके धन रखने का स्थान है या तिजोरी है, उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले तो ये ज्यादा लाभकारी होता है। कुंडली में यदि शुक्र ग्रह कमजोर है, इसके कारण आपको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, या आपके शरीर की स्फूर्ति गायब हुई है, तो आपको चाहिए कि गले में स्फटिक की माला
आप शुक्रवार के दिन जरूर धारण करें। स्फटिक की माला गले में धारण करने से हर काम में सफलता मिलती है और परेशानियों का अंत होता है, विवाद और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्फटिक की ओरिजिनल माला को लेकर के आप किसी अंधेरे कमरे में एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं और माला को इस तरह से झटकने की कोशिश करें कि उसके दाने आपस में टकरा जाएं। उससे यदि चिंगारी जैसे, आग की चिंगारी जैसी चीजें निकलती हैं, तो आप मानिएगा कि यह स्फटिक सही है, और यदि कुछ नहीं होता है तो वह कांच होगा या प्लास्टिक होगा। अगर आपके विवाह का समय आ गया है और आप प्रेम विवाह चाहते हैं और सारी कुछ परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जप स्फटिक की माला पर आपको करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करके गले में स्फटिक की माला पहनने से काम में सफलता भी मिलती है। और जो लोग श्री सूक्त के मंत्र का जब भी स्फटिक की माला पर करते हैं, उनके जीवन में भी अपार धन संपदा हर समय बनी रहती है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के आज सहयोग में खड़े रहेंगे। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप तुला राशि के जातक हैं, व्यवसायी हैं, तो निश्चित रूप से आज आप लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं और नौकरी करते हैं, तो आप ये माने कि आज आपके कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपकी प्रशंसा होगी और आपके काम का लोग लोहा मानेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। आपके दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छे ढंग से हुई है। और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप अपीयर हो रहे हैं और आप विद्यार्थी हैं, तो आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आय व्यय का संतुलन बना करके रखें, क्योंकि ये न भूलें कि शनि की 7:30 में आप हैं, कभी भी आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य किया करें। जय माँ विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को जीवन साथी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की स्थिति का संकेत कर रहा है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आज आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। आज पीला फल यदि आप दान करें तो निसंदेह आपके लिए दिन अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पुणे से अवंतिका जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें अवंतिका जी। हेलो जी। हेलो जी। अवंतिका जी अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। 85 का जन्म है जी, क्या जानना चाहती है? हाँ, प्रश्न पूछिए अवंतिका जी। 85 का जन्म है जी, शाम के 6:20 का जी, जी 15 जनवरी शाम 6:20 का। उनकी शादी कब तक होगी? देखिए, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो बहुत स्पष्ट बात बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र तृतीय एकादश की स्थिति में है। विवाह का कुछ महीने का ही विलंब है, ज्यादा विलंब नहीं है। 2014 में सुनिश्चित रूप से विवाह हो ही जाएगा। आप इनको बताएं कि शुक्रवार के दिन कात्यायनी मंत्र का जप 10 माला जरूर कर लिया करें, इससे कल्याण होगा। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। यदि इसका 41,000 जप 21 दिनों में कर लिया जाए तो निश्चित रूप से विवाह का संयोग शीघ्र बनेगा।
चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है कोलकाता की रहने वाली संगीता। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? संगीता का जन्म 28 नवंबर 1989 को 2:45 पर दिन में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी कुंडली मेष लग्न की है। शरीर भाव का स्वामी लग्नेश मंगल सातवें घर में बैठ करके इन्हें मांगलिक बना रहा है, लेकिन राहु केतु की केंद्रस्थ स्थिति इस मांगलिक दोष का समाधान कर रही है। इसलिए संगीता जी कोई भी कहे लेकिन आप मांगलिक नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बृहस्पति मंगल को भी देख रहा है तो आप भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, चंद्रमा सूर्य का अधम योग आपकी कुंडली के आठवें भाव में बना हुआ है, इसलिए विचारों से कभी कभी आपको निराशा महसूस होगी। आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और केतु में शुक्र का अंतर चल रहा है। ऐसे समय में आपका निश्चित रूप से अच्छा दाम्पत्य जीवन होने जा रहा है। अच्छे घर वर की आपको प्राप्ति होने जा रही है, लेकिन आपको चाहिए कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर कर लें और दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। बुधवार के दिन गणेश जी की भी पूजा किया करें। तो संगीत पंडित जी बताइए, स्फटिक की बाल जिसे क्रिस्टल बाल भी कहते हैं, स्फटिक का शिवलिंग श्रीयंत्र और माला की तरह ही प्रभावशाली है। बच्चों के कमरे में, स्टडी रूम में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के कोने में स्फटिक की बाल रखने से उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। जो लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने पढ़ाई के स्थान पर अपने बाएं हाथ पर क्रिस्टल का बाल जरूर रखें। इससे आपका मन एकाग्र रहेगा और विद्याध्ययन में रुकावटें दूर होंगी। स्फटिक की बाल से विवाद समाप्त होता है और आमदनी बढ़ती है। घर में वास्तु दोष है या 3 दरवाजे एक ही साथ खुल रहे हैं, घर में घुसते ही सीढ़ियां हैं, तो घर में स्फटिक का बाल रखना बहुत सुखकारी होता है। परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए और घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 क्रिस्टल बाल यदि लटका दिए जाएं तो इससे भी घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं मकर राशि का। जानते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है। जहां नया घर खरीदने के लिए आपके लिए शुभ समय है, वहीं शुभ समाचार की आपको प्राप्ति भी होगी। आज आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा और आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास भी प्रशंसनीय रहेगा। आज आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगार काय नमः, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और मित्रों और भाइयों का सहयोग भी रहेगा। आज आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आपको चाहिए कि चंडी कवच का आप पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। जानते हैं कि पाइसिस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी बताइए। यदि आप मीन राशि के जातक हैं और कहीं आपका धन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से आज उसके मिलने का संयोग बन रहा है। आज यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए 4 बजे के बाद जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। आज की गई यात्रा यदि आप यात्रा करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तुलसी को जल देना चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी।